फ्रेंड्स, मैं ड्राई फ्रूट सोलह लड्डू के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये आलमंड है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, आलमंड है दोनों में। ये वॉलनट है, अखरोट, ये काजू, और ये हनी मैं यूज़ करती हूँ। चीनी और गुड़ कुछ नहीं डालती हूँ। फ्रेंड्स, जिसका डर था वही हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया लग रहा है। तो मिक्सर ग्राइंडर का वो जो ऑटोमेटिक बटन होता है वो अभी बंद हो गया है। फाइनली फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया। कर रही है कि नहीं कर रही है आप? टूट जाइए, कभी कभी ऐसे ही बैठ। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक नया ब्लॉग लेके शुरू हो गई। इधर पहले सानू हाय करिए। इसके पास क्या है आपके पास? डक और एरोप्लेन। बोले ना, जब मेरा आवाज़ सुन के वो दौड़ के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, और एक नए ब्लॉग के साथ आज का शुरुआत करते हैं। तो आज मैं लंच मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है आज लंच में। इधर तो मेरी सानो खड़ी है। इधर देखिए, फ्रूट को मैंने धीरे धीरे मैं पकाती हूँ। इधर राइस पक रही है, हुआ नहीं अभी तक। अंडा बॉयल किया है, सीम आलू फ्राई किया, पनीर है, दाल है, इधर टमाटर की चटनी है, एक गोभी फ्राई किए हैं, फूल गोभी, और इधर सैलेड है। तो ये है मेरा आज का लंच, जो कि हो ही चुका है। सरप्राइज पर वो भी पक जाएगा अपना। हाँ, एक देंगे, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आज मैं मेरा क्या बोलते हैं, बच्चों लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाने वाली हूँ। ये सर्दियों में तो अच्छा होता है, ऐसे भी लोग ड्राई फ्रूट्स चबा के नहीं खाता। तो क्या करती हूँ मैं, लड्डू बना के दे देती हूँ। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आराम से खा सी। अभी चिल्ला रही सानू सानू लड्डू, मैं पहले बनाई थी लेकिन वो फिनिश हो चुका है। तो आज मैं फिर से एक बार बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। मैंने नारियल लिया है, नारियल को तोड़ के रखा है, मैंने दिखाती हूँ। नारियल को मैंने तोड़ लिया है और इस तरह पानी में डुबा के रख दिया है। इस तरह डुबा के रख देने से क्या होता है ना, ये आराम से अपना खोल में से निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होता, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है निकालने में, और हाथ भी मेरा लाल हो जाता है निकालते निकालते। तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी तो ईजिली निकल जाएंगे। तो ये हो गया नारियल का। अभी और क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राई फ्रूट सोलह लड्डू के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये आलमंड है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, आलमंड है दोनों में। ये वॉलनट है, अखरोट, ये काजू, और ये हनी मैं यूज़ करती हूँ। चीनी और गुड़ कुछ नहीं डालती हूँ, हनी देती हूँ, जिससे लोगों का सर्दी खांसी में भी आराम मिलेगा। सर्दी में ठंडा में सर्दी खांसी नहीं होगी, तो इसलिए मैं हनी यूज़ करती हूँ। हाँ, सानू खाएगी। और मैं अभी ये सब का पहले पाउडर बना लेती हूँ। इसके लिए मैं मिक्सर वाला जार ली हूँ। ज़्यादा प्रम एकदम महीन पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा। तो और नारियल को भी मैं छोड़ देती हूँ पानी में थोड़ा सा, जब तक ये इधर पीस लेती हूँ ये सब। उसके बाद नारियल को लास्ट में पीसूँगी। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आलमंड से स्टार्ट करती हूँ। इतना ही ले, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, बस इतना ही लूँगी। बर्डन पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा मिक्सर। इसको मैं फिक्स कर देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। पहले स्विच ऑन कर लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिसका डर था वही हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया लग रहा है। तो मिक्सर ग्राइंडर का वो जो ऑटोमेटिक बटन होता है वो अभी बंद हो गया है, अब थोड़ा देर के बाद ही काम करेगा। देखते हैं ना, अभी तक स्टार्ट नहीं ले रहा, थोड़ा सा वेट करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा डाल के ही बनाती हूँ, नहीं तो पता चला फिर गया। इस तरह इस चक्कर में मेरा एक मिक्सर ग्राइंडर पहले का ख़राब मैं कर चुकी हूँ, ब्लेड टूट गया। ये एक्चुअली ब्लेड टूट जाता है तो बनता नहीं, बनाने के बाद फिर एक महीना चलेगा फिर ख़राब, इसलिए फिर ये नया वाला लिया है। तो इसमें तो वो पुश वाला बटन है, इसलिए उस
वो कट गया था, फिर स्टार्ट हो गया, तभी मैं फटाक से बना लेती हूँ। देखिए इस बार पाउडर बन गया था, अब मैं निकाल ली थी कटोरी में इतना पहले जो डाले थे, बाद में बेकार में जो डाले वो इसी के लिए हो गया था। तो ये वाला अभी निकाल लेते, इसी तरह आलमंड सब पीस लेते हैं। फ्रेंड्स इतना आलमंड का पाउडर हुआ, मैंने आधा किलो आलमंड था, आधा किलो का पैकेट, तो उसको मैंने पूरा दे दिया है। और इधर काजू है, ये भी आधा किलो का ही है, हाँ ये भी 500 ग्राम का है, ये भी देते हैं, और ये भी शायद 500 ग्राम का है, तो ये सब मैं डाल देती हूँ। हनी खाना देंगे देंगे सानू को, हनी खाना। इधर काजू वाला भी पाउडर मैंने बना लिया है पूरा काजू फिनिश। अब बारी आती है वॉलनट का, उसका भी ग्राइंड कर देते हैं। फ्रेंड्स वॉलनट भी ख़त्म, इतना मेरा अभी तक का हुआ। अभी नारियल को छुड़ाना है, तो लेट्स स्टार्ट नारियल छुड़ाना। हाँ बेटा लड्डू लड्डू, वो तब से लड्डू लड्डू करके बैठ खड़ी है वहाँ पे लड्डू खाने के लिए। तो अभी नारियल तो हो गया मेरा। हाँ बेटा उसको रख लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे छुड़ाऊंगी इसकी सहायता से, नारियल कच्चा बहुत ज्यादा, अभी इतना सा निकला है। तोड़ लेती है तो बैठा। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है, इसे छुड़ाने में अच्छा होगा। देखिए आसानी से निकल रहा है इस तरह, नारियल बहुत ही कच्चा है, थोड़ा टाइम लगता है और अच्छे से पकने में। देखिए पूरा का पूरा ऐसे निकलेगा, ये अभी पूरा पका नहीं है, काला नहीं हुआ है। अगर काला हो जाता तो पूरा आराम से, इतना में तो अभी तक हो भी जाता, पानी में डाल के रखने से अच्छा पकता है। एक्चुअली ड्राई कोकोनट बोला था, मेरा मिस्टर लेके आ गए कोटा। डिस्टर्ब नहीं करिए बेटा, लग जाएगी मम्मा को, आपको भी लग जाएगी। फ्रेंड्स अगर ये पानी में नहीं डाले होते तो मेरा आज क्या होता पता नहीं, इसी में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। छोटा में लास्ट वाला फाइनली हो गया। फाइनली फ्रेंड्स मैंने सारा छोटा छोटा काट लिया इस तरह, और दो रख दिए हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद है खाने, वो खाएंगे नारियल। और मैंने अभी उनको फ़ोन किया तो बोल रहे हैं ड्राई कोकोनट पाउडर लाए हैं, लेकिन ये कम मिला था इसीलिए ये नारियल लेके आए थे। ये एक्चुअली 40-40 ग्राम का है, तो होगा नहीं 120 ग्राम है ये, इसलिए बोल रहे थे कि नारियल लेके ला दिए कच्चा वाला नारियल। भाई मैं सोचूं कि उनको मैंने बोला ड्राई वाला वो लेके आ गई ये, तो इसको भी पाउडर बना लेते हैं और ये रख देते हैं। ये तो पीस गया है, पूरा कंटेनर भर गया मेरा, इसमें मिला पाऊँगी अभी। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें हनी पूरा डाल दिया है, और ये ड्राई कोकोनट पाउडर तो ये इधर मिलाते जाऊंगे, इसके बाद डालूंगे क्योंकि ये पूरा भर गया है, पूरा डाल देंगे तो लेगा नहीं, तो मिला लेते इसको। फ्रेंड्स मैंने मिला लिया अच्छा से, अब इसका लड्डू बनाऊंगी मैं, थोड़ा इधर बैठ के करूंगी, खड़े खड़े मेरा पैर दुखने लगा। और तो देखिए सानू का ऑटो पर बैठी है, मेरा काम बढ़ाती है खाली। कर रही है कि नहीं कर रही है आप, तोड़ जाइए, कभी कभी ऐसे ही बैठा जाती है तो
तो मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, पहले उसको देखती हूँ क्या कर रही है नौटंकी की सही में। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा लड्डू बनके कंप्लीट हो चुका है। इधर आइस बिस्कुट से आ गया है अभी, मतलब कंप्लीट हुआ और वो आया। इधर सानू देख रहे खुश हो गया लड्डू देख के, अभी खाना खाना उसके बाद लड्डू। तो फ्रेंड्स, मेरा लड्डू रेडी हो चुका है और क्या बोलूँ, अब खाना वाना खिलाना बच्चा लोगों को, स्कूल से आ गया है और सानू एकदम बहुत ही एकदम एक्साइटेड है खाने के लिए। देंगे देंगे अभी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं है अभी, बाय बाय करें, बाय बाय, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।